नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैं पंकज तिवारी जैसा कि मैंने आपसे बोला था वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला वीडियो लेकर के आऊंगा देखिए हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू के रूप में हमने पार्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया इसके बाद फिर एन सी सोल्यूशन किया फिर कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी कर लिया अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज अब हम लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न परीक्षा से संबंधित ऐसे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको देंगे भरपूर परीक्षा में हेल्प तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा बुद्धि हमेशा बलवान होती है उसी से संबंधित पूरे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ध्यान रखिएगा देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा दसवीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागा बुद्धिर बलवती सदा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न ये हमारे जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न श्रृगाल श्रृगाल माने यदि त्व माम यदि तुम मुझे क्या करो यदि तव माम खालिस्तान यासी तदा बेला अपि बेला सिया बोले अगर श्रृगा यदि तम माम कृत्वा मुक्त्वा ठीक है ना तो इसमें से क्या यहां पर भरा जाए यासी अगर तुम देखो सियार ने कहा यदि तुम माम यदि माम मत्वा यासी तदा बेला बेलाअ्या सियात ठीक है ना तो समय के लिए उन्होंने कहा है कि समय से अगर तुम दोनों मुझे क्या है वहां पर मुक्तवा करके वहां पर कृतवा करते हो तो क्या करोगे तो जल्दी से उसको देखते हैं नहीं तो तुम मुझे मार देना अगर वो भागती नहीं है तो श्रृगाला यदि तो माम मुक्तवा क्या हो जाएगा मुक्तवा यहां पर भर दिया जाएगा यही हमारा इसका आंसर सही होगा प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें जरा यदि तम तरही यदि एवं यदि एवं तरही माम खालिस्तान चल और यदी, यदी एवं तरही माम, निज गले। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोड़कर के आपको चला जाऊंगा तो क्या करो यदि एवं तरही माम निज गले मुझे अपने गले में बध्वा माने बांध कर चल सत्वरम शीघ्रता से वहां चलो ऐसा उन्होंने कहा था किसने कहा था सिया ने कहा था किससे व्याघ्र से शेर से कहा था कि फिर क्या करो मुझे अपने गले में बांध लो गले में इसमें सप्तमी का एक बचन लगा हुआ है ध्यान रखना क्या लगा है बेटा सप्तमी का एक बचन लगा हुआ है इसमें अगला प्रश्न देखें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरा शाह व्याघ्र वह व्याघ्र माने बाघ तथा खाली स्थान कानन व्याघ्र क्या हो गया मत्वा कृत्वा श्रुत्वा दत्वा माम कानन क्या है कानन जंगल में पहुंचे कृत्वा तथा कृत्वा ऐसा करके व्याघ्र ने वही किया जो किसने कहा था किसने कहा था सियार ने कहा था जैसा सियार ने कहा था और व्याघ्र ने वैसा ही किया तथा मैंने वैसा ही और किया और जंगल में यय मैंने पहुंचे प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न क्रमांक चौथे में हमारा क्या है ध्यान से देखिएगा एवं प्रकारेण एवं प्रकारेण प्रकारेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है बेटा ठीक प्रकारेण में क्या लगा है तृतीय विभक्ति बोले एवं प्रकार उसी प्रकार से बुद्धिमती नाम की जो स्त्री थी व्याघ्र जाद माने शेर के डर से शेर से पुनरीय मुक्ता अभवत दोबारा से क्या हो गई थी मुक्त हो गई थी किससे व्याघ्र जात भयात व्याघ्र के बाघ के डर से क्या हो गई थी भय हो गई थी एतेसु कोपी ना न ठीक है ना अच्छा इसमें से कोई नहीं वैसे यहाँ व्याघ्र एवं प्रकार उसी प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात मुक्ता अभवत व्याघ्रजात श्रगालात भयात पुत्रात एतेसु कोपी न ठीक तो व्याघ्रजात भयाद से मुक्त पुनः दोबारा से मुक्ता अभत मुक्त हो गई थी इसमें श्रगालात हो जाएगा ये इसका नहीं होगा आंसर इसमें सॉरी भयात हो जाएगा भय से इस प्रकार से बुद्धिमती क्या हो गई थी इस शेर के डर से दोबारा से भय से मुक्त हो गई थी तो इसका आपका आंसर ये वाला सही होगा बेटा ये वाला नहीं होगा ठीक ये मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है ठीक ठीक इसमें भय से शेर के व्याघ्र के भय से दोबारा से वो क्या हो गई थी मुक्त हो गई थी इस, इस, से। इस प्रकार से आगे देखें अयम पाठ कुतः संग्रहित यह पाठ कहां से संग्रहित किया गया है पंचतंत्रता हितोपदेशता सुख सप्तति ही न बताए जल्दी मैंने आपको बताया था कि एक सुख नाम का तोता सहसा नाम की स्त्री को कहानी सुनाता है तो सुख सप्तति क्या है कहां से संग्रहित किया है सुख सप्तति नामक ग्रंथ से इसको संग्रहित किया गया है प्रश्न क्रमांक छठमा छा, हमारा होगा अस्मिन पाठे महिलाया नाम पाठ में अस्मिन माने इस पाठ पाठ माने पाठ में महिलाया माने महिला का नाम माने नाम का माने क्या है ठीक इस पाठ में महिला का नाम क्या है ये प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है का स्त्रीवाची क्या है लक्ष्मी बाई है क्या नाम रमाबाई है क्या सत्य सत्यावती है क्या बुद्धिमती क्या नाम है इसमें महिला का नाम इस पाठ में बुद्धिमती नाम है ध्यान रखना इस बात को प्रश्न क्रमांक छठवें के बाद हमारा सातवा होगा सातवें प्रश्न में क्या है देखें सातवें प्रश्न में राजपुत्रश नाम के वे? राजा के पुत्र का नाम क्या है बोले जल्दी से वन टू थ्री कौन सा है श्रावण श्रवण राज सिंघा राम शिंगा, बलभद्र क्या है बताएं जल्दी से क्या है इसमें नाम तो बोले जल्दी से ये नाम है राज सिंघा राज सिंह एक राजपुत्र से वसती इसम लिखा था ना राज सिंह नाम का राजा का पुत्र था देखें बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श बुद्धिमती के द्वारा कुत्र माने कहां पर व्याघ्रम माने व्याघ को ददर्श माने देखा एक बुद्धिमती के द्वारा व्याघ्र माने वाघ को कहां पर देखा गया नगरी माने नगर में ग्रामी माने गांव में देवालय माने देवालय में या कानने माने वन में कहा देखा गया था घने जंगल में गहन कानने कहा देखा गया था जंगल में देखा गया था कुत्र सप्तमी विभक्ति के स्थान पर जहां स्थानवाची होता है वहां कुत्र लगा होता है तो वहां सप्तमी विभक्ति लगती है ध्यान रखना स्थानवाची में आगे देखें अगला प्रश्न हमारा होगा नौवे नंबर का बुद्धिमती कया पुत्र प्राहृतमती बुद्धिमती के द्वारा बुद्धिमती के द्वारा पुत्र देखो बुद्धिमती के द्वारा किसको किससे पुत्रों को मारा गया किससे किसके द्वारा पुत्रों को मारा गया कहा कह, कहा कम कैन कया कहा कम कैन कया किसके द्वारा का कया तृतीय व्यक्ति का काम कया तृतीय व्यक्ति किसके द्वारा पुत्रों को मारा गया तृतीय विभक्ति है यहाँ तो चपेटिया वाण्या धुरिकाया एतेसु कोपिना किससे मारा था कुल्हाड़ी से मारा था कि चाटे से मारा था पुत्रों को किससे मारा था बता जल्दी से किससे मारा था चाटे के द्वारा तो चपेटिया किसके द्वारा चपेटिया माने चाटे के द्वारा मारा था इसीलिए चपेटिया ठीक तृतीय विभक्ति चपेटा चपेटाम हो गया अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है दसवें नंबर का भामिनी कया विमुक्ता भामिनी किसके द्वारा मुक्त हुई किसके द्वारा मुक्त हुई रूपवती किसके द्वारा मुक्त हुई चपेटा के द्वारा वाणी के द्वारा धूरी कया के बुद्धि बुद्धि के द्वारा हुई किसके द्वारा जल्दी से रूपवती स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई अपनी बुद्धि और विवेक के कारण अपनी बुद्धि के बलबूते पर उसने बुद्धि लगाई कि इस प्रकार से शेर को डराया जाए शेर को इस प्रकार से भयभीत किया जाए तो बुद्धि के बल से क्या हो गया वो भयभीत हो गई आगे देखें अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा ग्यारह नंबर का ग्यारह नंबर का प्रश्न हमारा क्या है ध्यान दें कम दृष्ट अध श्रीगाल किसको देख करके धूर्त सृगाल बोला किसको देख करके बोला था जो नौटंकी नाटकबाज़ जो सियार था किसको दौड़ते हुए देख रहा था तो बोल गया था सिंगम व्याघ्रम गजम मृगम किसको देखा था व्याघ्रम व्याघ्र को देख करके धूर्त सियार बोला क्या बोला भवान कुता कुत्र पलायता बोला था ना कहां पर जा रहे हो भवान भगवान कुता पलायता ऐसा बोला था ना वही है इसके बाद प्रश्न क्रमांक द्वादश बारह नंबर का प्रश्न रहेगा और दिया हुआ है व्याघ्र कस्मात विभेति व्याघ्र शेर किससे डरता किससे डरा शेर किससे डरा बताएं जल्दी से शेर किससे कस्मात विभेति सिंघात बुद्धिमत्या श्रृगालात ए कोपिना को बुद्धिमत्या बुद्धिमती से किससे डर गया था शेर बुद्धिमत्या किससे डरा था बुद्धिमती से बुद्धिमती से डर गया था शेर तो कस्मात में पंचमी है तो बुद्धिमत्या में भी पंचमी लगी हुई है ध्यान रख लेना ठीक बुद्धिमती बुद्धिमती बुद्धिमत्या बुद्धि बुद्धिमत्य बुद्धिमत्या बुद्धिमत्या बुद्धिमत्याम ऐसे रूप बनेंगे ठीक चलिए जैसे जननी जननी नदी नदीम नद्या नद्य नद्याद्याम ऐसे नद्या, बनेंगे रूप ठीक चलिए प्रश्न क्रमांक तेरा तेरा नंबर का प्रश्न क्रमांक है हमारा देखें इसमें क्या तोया मह्यम का उक्तवान ऐसा ये किसने कहा था पुरा माने पहले तोया माने तुम्हारे द्वारा मह्यम माना मुझगे मेरे लिए व्याघ्रम माने त्रयम तीन बाघ दत्तम माने दिए दे, देने का वादा किया गया तुम्हारे द्वारा मुझे तीन भाग देने का वादा किया गया था ये कहा उक्तम किसके द्वारा कहा गया स्त्रीवाची शब्द है सत्यवती के द्वारा सिंह के द्वारा मकर के द्वारा बुद्धिमती के द्वारा किसके द्वारा कहा गया था बुद्धिमती ने यह कहा था जब उसने ये वाली उंगली उठा करके ऐसे कहा था किससे CR की तरफ उंगली करते हुए कहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तीन शेर दूंगी दूंग, दूंगा लेकिन तुम तो आज केवल एक ही शेर लाए हो ऐसा कहा था ध्यान रख लेना अगला प्रश्न हमारा रहेगा चौदह नंबर का चौदह नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ध्यान दें व्याघ्र कैन शह पुनः बुद्धिमती प्रत्यक्षम आगतमान व्याघ्र माने शेर केन माने किसके द्वारा ठीक फिर किसके द्वारा या किस से सह माने साथ में किसके साथ में पुनः माने दोबारा से बुद्धिमती बुद्धिमती के सामने आगत माने आया किसके साथ दोबारा से बुद्धिमती के सामने आया जंगल में किसके साथ गजेन सृगालेन सरग, मृगेन एतेसु कोपिना किसके साथ में आया था बेटा सृगाल सीआर के साथ में ही तो आया था दोबारा से और उसने गले में घंटी बांध लिया था गले में बांध करके लाया था जब तो उसी के साथ तो यहां लिखा है कह कम केन देखो कह कम केन कह कम केन कसमई कस्मात कश्यो कश्म कसमैन दिया है तो यहां पर श्रीगालह श्रीगालह श्रीगालम श्रगालम श्रगालेनो श्रगालेनो श्रीगालयो श्रीगालयो श्रीगालात श्रृगालात श्रृगालश श्रृगालश श्रृगाल श्रृगाले श्रृगाले ठीक तो अब देख लो इसमें केन लगा हुआ है तो केन के सामने क्या है श्रृगालेन देखो ये आ गया है श्रृगालेन तृतीय विभक्ति लगी ना श्रृगालेन आ गया ना तो हमेशा जो विभक्ति हमारी प्रश्न में रहती है उसी विभक्ति को हमें आंसर में लिखना होता है यह हमेशा ध्यान रखना आगे दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक हमारा पंद्रह ठीक है ना एक पदेन उत्तर अब ये एक पदेन उत्तर हम लेकर के आए हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लेना कि राज सिंह भार्य कुत्र गता। राज सिंह की राज सिंघस्य में ष्टी विभक्ति लगी हुई है क्या लगी है इसमें षठी विभक्ति का एक वचन जैसे रामस्य वैसे ही राज सिंहस्य ठीक तो राज सिंह की भार्य माने पत्नी पुत्र माने कहा गता माने गई कहा गई थी पितुर ग्रह पितृ पित्री गृह पितृगृह पित्री कहा गई थी पितृगृह पितृग्रह पितृगृह कहाँ गई थी बेटा आया पितृग्र पितुर गई थी पिता के घर राजपुत्र किम आसीत राजपुत्र का अभिधान क्या था राजपुत्र का अभिधान क्या था देखें राज सिंघा अभिधान माने होता है पहचान अभिधान का मतलब क्या होता है पहचान तो राज सिंह राजपुत्र पहचान क्या थी उसका नाम आपकी पहचान क्या है आपका नाम मेरी पहचान क्या है मेरा नाम आपको किस नाम से जानते हैं लोग वही तो आपकी पहचान है जिस नाम से आपको जानते हैं वही पहचान है तो राजपुत्र को किस नाम से पहचाना जाता था राज सिंह के नाम से तो अभिधान का मतलब क्या होता है पहचान ध्यान रख लेना इसके बाद दिया हुआ है भामिनी भामिनी व्याघ्रश भयात कदम विमुक्ता रूपवती शेर के भय से कैसे मुक्त हुई भामनी माने रूपवती भामनी माने रूपवती व्याघ्रस्त माने व्याघ्र माने बाघ से बाघ बाघ के ठीक के षष्टी भक्ति लगी तो क्या आएगा भाम रूपवती बाघ के भयात माने डर से कथम माने कैसे विमुक्ता माने मुक्त हुई कैसे मुक्त हुई उसके डर से उसके डर से निज बुद्धिया अपने बुद्धि के बल से वह क्या हुई मुक्त हुई अपने बुद्धि और विवेक के कारण ही वहां से क्या हो पाई वो मुक्त हो पाई अगर वो अपनी बुद्धि को ना लगाती तो वहां उसको शेर उनके दोनों बच्चों को क्या कर जाता चट कर जाता खा जाता तो यहां देखो तृतीय विभक्ति लगी हुई है निज बुद्धिया क्या लगी हुई है तृतीय विभक्ति निज बुद्धिया आगे देखें चौथे नंबर का प्रश्न है का बुद्धिमती आशित का बुद्धिमती आसित बुद्धिमती कौन थी बुद्धिमती आशित रूपवती बुद्धिमती कैसी थी रूपवती थी रूपवान थी बढ़िया से उसको अच्छी सुंदर थी सुशील थी इसीलिए तो भामिनी बुद्धिमती आशित ग्रहित कर जीवित कहा पलायता अपने प्राणों को हाथों में रख करके कौन भागा था व्याघ्र कौन भागा था व्याघ्र देखो जल्दी यहां प्रथमा का एक वचन व्याघ्रह में प्रथमा का एक वचन ग्रहित माने ग्रहण और कर्म माने हाथ और जीवित माने प्राणों को अपने प्राणों को हाथ में रख करके कहा पलायता कौन भागा पलायन किया व्याघ्र सिर कुत्र जम्बुकमत अकथियत शेर ने सियार को कहा गंतुम माने जाने के लिए अकथियत माने कहा था कहां पर जाने के लिए कहा था शेर ने सियार को कहा जाने के लिए कहा था गूढ़ प्रदेशम ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां पर कोई तुम्हें ढूंढ ना सके ऐसा शेर ने कहा था सियार से जब वह दौड़ते हुए जा रहा था उसने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो भगवान कुता तो बोले गच्छ 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 तुम भी भागो गुड प्रदेशम नहीं तो आ जाएगी व्याघ्र मारी तीती ठीक तो गुड प्रदेशम व्याघ्र में प्रथमा जंबुकम में द्वितीय कुत्र माने कहा गंतुम में तुमन प्रत्यय आकथियत में लंग लकार भूत का लगा है ठीक है तो गुड प्रदेशम प्रश्न क्रमांक सात नंबर का हमारा दिया हुआ है सातवें नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें व्याघ्र व्याघ्र ने किसके साथ जंगल गया व्याघ्र किसके साथ में जंगल गया किसके साथ में गया था बेटा के साथ में गया था भाई सियार ही तो साथ में उसको लेकर के गया था निज गले निज गले बदवा अपने गले में बांध लो अगर विश्वास नहीं है तो नहीं तो वादा करता हूं चलो ठीक है ना शेर बोला ये तो बना प्रत्युत्पन्न मती का आशित प्रत्युत्पन्न मती का आशित प्रत्युत्पन्न प्रत्युत्पन उसकी तत्काल बुद्धि मती हुई कौन थी प्रत्युत्पन्न मती भी राजपुत्र भार्य प्रत्युत्पन्न मती भामनी रूपवती या राजपुत्रस्य भार्य मतलब राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती प्रत्युतपन्नमती थी ठीक है ना हो गया अब देखें इसमें प्रत्युतपन्नमति का में प्रथमा विभक्ति राजपुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति भार्य में प्रथमा विभक्ति भामनी में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है ठीक है चलिए आगे देखें पूर्ण वाक्य उत्तरत् पूर्ण वाक्य के, के, के द्वारा उत्तर दो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है आगक्षतम व्याघ्रम दृष्ट्वा भार्य किम अकरोत् आते हुए व्याघ्र को देख करके पत्नी क्या करती है अकरोत क्या किया गया अक्रोत आगक्षतम आते हुए व्याघ्रम माने बाघ को दृष्टवा माने देखकर पत्नी के द्वारा क्या किया गया भार्या माने बुद्धिपति वही पत्नी राज सिंह की पत्नी के द्वारा क्या किया गया था जैसे ही उसने आते हुए शेर को देखा तो क्या किया चपेटया देखो क्या होगा देखो आगक्षतम व्याघ्रम दृष्टवा आते हुए शेर को देख के देखो धाष्ट्रयात धाष्ट्रयात पुत्र अचानक से पुत्र माने दोनों पुत्रों को चपेटिया माने चाटे से प्रहृत माने मारते हुए उक्तवती माने बोली क्या बोली क्या कथम कैसे एक-एक एक-एक असो एक -एक करके शेर को खाने के लिए कलह माने झगड़ा क्रुथ माने करते हो अयम एकातावत विभज ये अभी एक है तावत माने उसको विभज्य माने बांट करके भुज माने खा लो पश्चात माने बाद में अन्यो माने द्वितीय बोले दूसरा मिलेगा कश्चित लक्ष्य दूसरे को मारेंगे फिर बाद में दूसरे को मारेंगे यही कहा था ना कुरुत, क्या किया था उसने बोले आते हुए व्याघ्र को देख करके अचानक से पुत्रों को चाटा मारते हुए बोली कि कैसे एक एक करके व्याघ्र के शेर को खाने के लिए लड़ रहे हो अभी एक है तो उसको बांट करके खा लो बाद में दूसरे को मारेंगे तो उसमें से आधा आधा ले लेना -ले इस प्रकार की बातचीत हो रही थी ध्यान रखना में गच्छ गच्छ धातु है गम धातु है, गच्छंतम बनता है आ उपसर्ग लगा हुआ है व्याघ्रम में द्वितीय दृष्टवा में दृष्ट धातु है कितना प्रत्यय भार्य माने पत्नी किम माने क्या अक्रोत यहां पर भी हमारा लो, लंग लकार लगा हुआ है ठीक यहाँ देखें व्याघ्रम ध्रष्टा घर में पंचमी पुत्रो में द्वितीय विभक्ति वो द्विवचन चपेटिया में तृतीय विभक्ति प्रात में उपसर्ग हिरी धातु प्रत्यय उक्त वतु में वत वो हमारी वच धातु है उक्त वत उक्तवान उक्तवती उक्त ऐसे रूप बनता है तीनों लिंगों में बनते हैं ध्यान रखना तबत प्रत्यय इसमें दिया हुआ है तबतु कितव कितव प्रत्यय है और इसमें वच धातु वच धातु से यहाँ उच्च हो जाता है फिर बनता है ठीक है ना उक्तवान उक्तवती उक्तवत कथम मान कैसे यहाँ वृद्धि संधि है व्याघ्र भक्षणा में चतुर्थी विभक्ति है कुरुथ हमारा लगा हुआ है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप अयम एक ताव विभज्य इसमें लप प्रत्यय लगा हुआ है भुज्य ताम में द्विवचन लगा हुआ है और यहाँ पर पश्चात माने बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य ठीक चलिए आगे देखें इसके बाद अगला प्रश्न है लोके माने संसार में महत्व माने बड़े से बड़े भयात्माने डर से कहा मुच्चते कौन मुक्त हो जाता है इस संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो जाता है ठीक है कौन मुक्त हो जाता है बड़े से बड़े भय से ध्यान दें तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बड़े से बड़े भय से क्या हो जाता है मुक्त होता है तो लोके में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है सप्तमी भक्ति महतु माने महता प्रथमा भयात माने पंचमी कहा में कहा माने कौन ठीक तो प्रथमा का युवा मुच्यते मुच्यत मुच्यंत लगी हुई है ठीक तो बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संसार में बड़े से बड़े कष्टों से क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है अगला प्रश्न दिया हुआ है व्याघ्र किम कुरंती सादृष्टवा व्याघ्र के द्वारा क्या किया गया शाह वह देखा ठीक है ना व्याघ्र के द्वारा या क्या किया गया देखो व्याघ्रन आत्मपुत्र व्याग्रश व्याघ्र को देखते व्याग्रश को देखते हुए व्याघ्रन शामाना हुआ है व्याघ्र को देखा जैसे व्याग्रश तो सामान हुआ अपने पुत्रों को एक एक कसा व्याघ्रम अतुम बोले एक एक शेर को खा लो अभी आधे एक एक करके एक एक करके शेर को खाने के लिए खा तुम खाने के लिए कल है मानव मने डरते हो उसने कहा व्याघ्र के द्वारा क्या देखा गया ब्याग्र के द्वारा क्या कुरबंती सादृष्टा उसने क्या, क्या एकदम से शेर के द्वारा क्या देखा गया था जंगल में तो व्याघ्र के द्वारा देखा गया कि आत्मपुत्र अपने पुत्रों को एक 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 उनके दोनों पुत्र करके व्याघ्र को खाने के लिए कलय कर रहे थे झगड़ा कर रहे थे तो उसने चपेटियां माना चाटे से प्रहरा दृष्टा मारते हुए देखा है बोले प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है तुम कह रहे हो कि झूठ है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है तो पुनरायनतम व्याघ्रम दृष्टा बुद्धिमती से आते हुए शेर को देख करके बुद्धि पुनरायंतम पुनः आयंतम तो पुनरायंतम विसर्ग संधि लगी है पुनः प्लस आयंतम पुनरायंतम दोबारा से आते हुए व्याघ्रम माने शेर को और दृष्टा माने देख करके दृष धातु है कि प्रत्यय है तो देख देख करके बुद्धिमती किम माने क्या अचिंत्यत माने सोचती है क्या सोचती है बोले निश्चित है कि इसको सी आर लाया होगा अब देखते हैं हम पुनरायंतम दोबारा से आते हुए व्याघ्र माने व्याघ्र को दृष्ट्वा माने देख करके बुद्धिमती बुद्धिमती अचिंत्यत माने सोचती है यत माने जो जंबुक कृतोत्साहद व्याघ्रात् कथं मुच्यताम बोले कि उसने कहा कि जो शेर के द्वारा उत्साह उच्चाह उत्साह से उत्साह मतलब उसको बहला फुसला करके दोबारा से व्याघ्रात माने शेर को शेर से कथम मुच्चता कैसे मुक्त हो गया ठीक है ना? यही सोच रही थी वो कि ये सियार यहां पर लाया होगा फिर उसी को अब उसी को फंसाने के लिए सोचने लगा देखे प्रश्न निर्माणम प्रश्न निर्माण करने वाले हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है देखें इसमें क्या दिया हुआ है राजपुत्र राजपुत्र भार्य बुद्धिमती आशीत राजपुत्र भार्य राजपुत्र की पत्नी बुद्धिमती थी तो यहाँ क्या हो जाएगा कश्य कश्य पुत्र कश्य भार्य बुद्धिमती आशीत राजपुत्र यहाँ ष्टी विभक्ति लगी हुई है जैसे ए, रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य तो पुत्रस्य षी भक्ति लगी तो कहा कम केन कस्मै कस्मात कस्य लग जाएगी प्रश्न निर्माण जब परीक्षा में आए तो ध्यान रखना प्रश्न निर्माण करने के लिए जो विभक्ति यहां लगी होगी वही विभक्ति का रूप लगाना है प्रश्न निर्माण के लिए इसके आपको किम के रूप आना बहुत जरूरी है किम माने क्या होता है क्या इसके रूप आपको जरूर याद होना चाहिए कहा कम केन कस्मई कह कम केन कस्मई कस्मात कश्यो कस्मिन ठीक स्त्री के लिए आएगा तो ये आएगा का काम कया ठीक कयाह कया कयाई कया, कया, कया ठीक यहां आएगा ठीक कश्याह। कश्याह। कश्याम ऐसे आएगा ये ठीक इस प्रकार से आएंगे अब यहां देख लो पहला देखें कश्य भार्य बुद्धिमती आशित कस्य भार्य बुद्धिमती आशित मार्गे गहन कानने बुद्धिमती एक व्याघ्रम ददर्श समझ में आया उन्होंने कहा मार्गे गहन बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श मार्ग में घने जंगल में बुद्धिमती एक व्याघ्र माने वाघ को ददर्श माना देखती है तो मार्गे में क्या आ जाएगा कुत्र बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श कहां पर कुत्र मैंने कहा था ना स्थानवाची अगर आता है तो हमेशा कुत्र होता है देखिए सप्तमी विभक्ति में कस्मेन आना चाहिए कस्मेन क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है देखो मार्गे और गहलकानने कस्मेन आना चाहिए लेकिन जब स्थान की बात हो तो कुत्र लगाया जाता है ध्यान रखना और प्रकार की बात हो तो कि ठीक ध्यान रखना फिर लिखा भया व्याघ्रम दृष्ट्वा सर्गालम अहसत् भय से आकुल व्याघ्र को देख करके सियार हंसता है कौन हंसता था सियार तो क्या हो जाएगा कह कम कम व्याघ्रम दृष्ट क्या हो जाएगा की क्या। कि की दृश्यम किस प्रकार आकुल क्या है भय से आकुल तो भय से आकुल है ना तो की कि दृश्यम किस प्रकार आकुल किस प्रकार शेर को देख करके सियार आहसत किस प्रकार अभी बोला ना कि अगर प्रकार की बात हो तो की दृश्यम लगा दिया जाता है दृशम व्याघ्रम दृष्ट श्रगाला भयाकुलं भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट श्रसत प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा नंबर दिया हुआ है जिसमें पूछ रहे हैं कि स्रगालेन सह स्रगालेन सह वो... सियार के साथ, साथ व्याघ्र माने बाघ पुनः आयाती इसमें पुनः आया था ठीक तो क्या हो जाएगा केन क्या हो जाएगा केन सह व्याघ्र पुनः आयाति इसमें केन सह किसके साथ व्याघ्र दोबारा से आया था के साथ बुद्धिमती से भयात मुक्ता अवत बुद्धिमती भयात मुक्ता अवत बुद्धिमती किसके भय से मुक्त हो गई थी तो भयात की जगह क्या वो व्याघ्रस की जगह क्या हो जाएगा कश्य सी विभक्ति लगी तो ष्टी विभक्ति में कश्य आ जाएगा देखो यह आ गया इतने लिखा ही उवाच प्रत्युत्पन्नमति कौन थी बुद्धि से उत्पन्न कौन किस प्रकार से उत्पन्न वह सृगाल आक्षिप्त पंथी उवाच सृगाल से सियार के ऊपर आरोप लगाते हुए बोली किस प्रकार प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि के उत्पन्न होने पर आगे देखें अगला प्रश्न हमारा होगा अगला प्रश्न हमारा होगा ध्यान से देख लें अधोलिखित नीचे लिखे हुए श्लोकों में जो श्लोक है अन्वयो अन्वय समुचित पद ही समुचित पदों को इसमें पूर्त करना है ये श्लोक लिखा हुआ है इस श्लोक को देख करके इसके अन्वय को क्या करना है पूर्ण करना है ये श्लोक दिया हुआ है निज बुद्धिया भयाद व्याघ्रश्य भामिनी अन्योपी बुद्धि माम लोके मुच्यते महतो भयात ठीक है ये श्लोक है इस श्लोक को पढ़कर करके यहाँ पर भरना भरना है अन्वय बनाना आना चाहिए कि निज बुद्धिया भयाद व्याघ्रश्य भामिनी अन्योपी बुद्धिमान लोके मुचते महतो भयात भयतो भयात देखें अपनी बुद्धि के बल से ही क्या है उस भामनी स्वरूप वाली सह भामनी अब क्या क्या इसमें भरना है फर्स्ट नंबर में देख लीजिए निज बुद्धिया वह रूपवान स्त्री अपनी बुद्धि के बल से बुद्धि के द्वारा शेर को शेर के भय से विमुक्ता विमुक्त हो गई संसार में अन्य अपि अन्य भी बुद्धिमान लोग क्या करते हैं महतो भयात मुच्चते महान भय से क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं देखो लोके अन्य लोके अन्य अपि बुद्धिमान बुद्धिमान महतो भयात मुच्चते हो गया नीचे देखो दूसरा दूसरा श्लोक दिया हुआ है कि इत्युक्ता धाविता तोर्णम व्याग्रमारी भयंकरा व्याग्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालका गलबद्ध श्रगालका बोले इत्युक्ता जैसे ही उसने ऐसा कहा तो वह शीघ्र ही व्याग्रमारी दौड़ पड़ी किसके ऊपर सियार के और शेर के ऊपर तो व्याग्रोपि फिर व्याग्र भी वहां से सहसा अचानक से गले में बंधे हुए सीआर को लेकर के भाग पड़ा इति उक्ता किस प्रकार से देखें उक्ता इति उक्ता भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम शीघ्रता से धाविता दौड़ी गलबद्या श्रृगाल का व्याघ्रोपी व्याघ्र अपी क्या हो गया सहसा नष्ट अचानक से भागा अचानक से क्या हो गया भागने लगा इस पे मैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने पाठ में एक एक सारी सारी चीजें आपको बतलाई है आप उस पर भी थोड़ा सा पाठ को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ आपसे सारे ये सब कुछ बनता जाएगा ध्यान रख लेना आगे देखें भावार्थ देखें अधोलिखित कथनयो नीचे लिखे हुए कथनों के समुचित भावम प्रदत्त विकल्प लिखत तो समुचित जो उचित भाव है उसको प्रदत्त दिए गए विकल्पों से चुन करके लिखना है अन्योपि बुद्धिमान लोके महता भयात इसका भावार्थ अस्य कथनस्य भाव अस्त यहाँ खालिस्थान निज बुद्धिया खालिस्थान भयात विमुक्ता अभवत यो मो बुद्धिमाना खालिस्थान महतो भावात खालिस्थान अपि मुच्यते ये संस्कृत में ही भावार्थ लिखा हुआ है ध्यान रख लेना अगर आप हिंदी में सीख लोगे तो आपको संस्कृत में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है देखो अब उन्होंने कहा अस्य कथन से भावा इस कथन का भाव है कि जो वह स्वरूपवती स्त्री निज रूप रूपवती निज बुद्धि के अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा क्या है व्याघ्र भयात विमुक्ता अभवत एव मे बुद्धिमान जना महतो महतो भयात अपी महान से महान डर से मुक्त हो जाते तो ये देखो चार दिए हुए चारों को भरना था अस्य कथनस्य अपि क्या सह भामिनी फिर देखो व्याघ्रस्य व्याघ्रस्य भयात ठीक जनाह महतो भयात महतो भयात हो गया कोई ज्यादा ज्यादा नहीं ये पूरे आपके लेसन प्लान में मिलते हैं तो आप लोगों को अच्छे से बस पढ़ते जाना है बाकी और कोई ज्यादा वो इसमें है नहीं है भावार्थ इसमें बुद्धिर बलवती तनवी सर्वकारी सुसर्वदा ठीक अब नीचे दिए हुए हैं ये सर्वदा कर्तुम बल स्वुद अस् कथन से भाव कर्तुम बलम यहाँ तस्वुद्ध्या नर स्वबुद्धिया सर्व समाधान हम क्या है कर्तुम कर्त शक्नो चा सर्वदा भवति ठीक है तो देखो पहले में आ जाएगा हमारा स्वबुद्ध्या देखो क्या आ जाएगा बलम आ गया ना बलम आस्य कथनस्य भावा अस्ति यत बुद्ध्या यस्य बलम तस्य नरः जिसके पास बल होता है वह नर क्या हो जाता है स्वबुद्ध्या अपनी बल अपनी बुद्धि से सर्व समस्यायाम समाधानं क्या आ जाएगा समाधान करता है कर्तुम सकनोति सर्वेशु कार्येषु सभी का, सभी कार्यों और सभी कार्यों को सर्वदा सफला सफल भवति हमेशा सफल होते बुद्धिर बलवती तन्वी तन शरीर भी उसका होना चाहिए क्या होना चाहिए तनु शरीर भी उसका अच्छा बलवान होना चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए तो वह सभी कार्यों में क्या होता है सफलता प्राप्त करता है ऐसा उसने कहा है ठीक आगे देखें अगला क्या दिया हुआ है कथा क्रमानुसारम कथा क्रमानुसारम कथा जो हमारी कथा है पूरे पाठ को हमने पढ़ा है उस कथा के क्रम के अनुसार अधोलिखितानी वाक्यानिक कथा क्रमेण संयोज लिखत इसमें हमें वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है तो देखें जरा उसमें लिखा है कथमे ककसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कलहम कहलम नहीं कलहम कुरुथ ठीक तत्र राज नाम राजपुत्र भार्या दोपेता पितुर्ग्रह प्रति चलता मार्गे गहन कानने सहायक व्याघ्रम ददर्श इम काचित व्याघ्रमारी मत्ता व्याघ्रस भया कुलचितो नष्टा धूर्ता श्रृगाल हसन आय भवान कुता भयात पलायता बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः मुक्ता अभवत यदि तम माम मुक्ता यासी तदा बेला बेला अपी बेला सात बुद्धिमती चिंतितवती जब मुक्त तो साह कथम मुच्चताम सबसे पहला तो क्या है वो घर से निकली पति के घर से और कहा जाती है पिता के घर जाती है तो पहले नंबर पे देख लो तत्र राज सिंघा नाम राजपुत्र जंगल में एक शेर को देखा फिर उसने एक एक करके दोनों खाने के लिए लड़ रहे थे व्याघ्र मारी ऐसा सुनकर ऐसा देख करके उसने शेर को मारने वाली को देखा भय से आकुल होकर के शेर वहां से भगा धूत श्राल ने जैसे हंसते हुए पूछा भगवान कुता भयात पलायता कहाँ दौड़े चले जा रहे हो यदि तुम माम मुक्ता यासी तदा बेलापी बेलाप बोले उस समय के अनुसार ये आपने गलत सुना है बुद्धिमती चिंतित बुद्धिमती सोचने लगी कि यह सियार दोबारा से इसको लेकर के आया है इससे कैसे छुटकारा पाया जाए बुद्धिमती व्याघ्राज भयाद पुनः मुक्ता दोबारा से मुक्त हो जाती है प्रसंगानुकूलम उचितार्थम रेखांकित पदा के प्रसंगानुसार रेखांकित पदों के शुद्ध अर्थ को चुन करके इसमें लिखो व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यय व्याघ्र माने शेर ने जैसा वैसा ही किया जंगल में यय बोले पहुंचे तो इसका सही अर्थ हमारा होगा अगक्षत क्या होगा बेटा अगक्षत अगक्षत यय अगक्षत गहन कान ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श गहन जंगल में उसने एक किसको देखा किसको देखा इसका सही अर्थ क्या है अपश्यत सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका प्रसंग के अनुसार अर्थ बताना अपश्यत हो जाएगा फिर देखो सापुत्र चपेटिया प्रहेत्र जगात जगात के लिए इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा उक्तवती बोला क्या होगा बोला सा पुत्र चपेटिया उसने दोनों पुत्रों को क्या किया चाटे के द्वारा मारते हुए बोली उक्त माने बोली अगला प्रश्न होगा हमारा गच्छ गच्छ गंबुका किसके लिए बोला जम्बुका शब्द का अर्थ क्या होगा श्रीगाल शियार होगा फिर तदा बेला अपि अवेला श्यात। बेला का मतलब क्या होगा समया पुष्पम फलम बालिका समया बेला के लिए क्या किया गया है यहां समय का शब्द का प्रयोग किया गया है ध्यान रखना बेला मतलब समय बुद्धिमती चपेटिया पुत्र चपेटिया कर प्रहारण चपल्या चंचलया चालिता चपेटिया का मतलब कर हाथ के द्वारा हाथ का प्रहार किया था वही चपेटिया कहलाएगा पर्याय पदानी विलोम पदानी पर्याय पद और विलोम पद लिखना पर्यायवाची शब्द लिखना है और विलोम पदों को लिखना है तो अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत इनके देखो पर्याय माने भार्या माने पत्नी कानन माने जंगल जम्बुक माने सियार तुरनम माने शिग। तो पर्याय पर्यायवाची शब्द लिखना है तो भार्या माने पत्नी तो यहां हमारा क्या हो जाएगा भार्या का पत्नी हो जाएगा कानने का बने हो जाएगा जम्बुका का सरगाल हो जाएगा तूर्णम का शीघ्रम हो जाएगा यहां से हमारा देखो ये हो जाएगा दिया हुआ है भार्या का पत्नी बनिता कानने का विपने अरण्य जंबुका का श्रगाल सियाार तूर्णम का शीघ्रम त्वरितम ठीक आगे देखेंगे का स्तंभ पदानी दत्ता खा स्तंभ ते बिलोम पदानी संयुग्र पहले पद में ये दिए हुए हैं दूसरे पद में ये दिए हुए हैं दोनों को अब मिलाना है मिलाने के लिए क्या करेंगे हम देखो ये दिए हुए पर्याय पद और विलोम पदों को पुरा का क्या हो जाएगा हमारा देखो अधुना प्राचीन और अधुना का आधुनिक तूर्णम का मंदम प्रत्यक्षम का परोक्षम गूढ़ अगूम पश्चात का क्या हो जाएगा पूर्वम इस प्रकार से हमारा ये ये इस पद को हम विलोम पदों को क्या कर लेंगे इसमें मिला लेंगे ये हमारे विलोम पद है पूरा मतलब होता है प्राचीन और का मतलब होता है आधुनिक प्राचीन बहुत ज्यादा जो बीत चुका हो और आधुनिक का मतलब जो इस समय वर्तमान में चल रहा हो तो ये विलोम पद हो जाएगा तूर्णम का मतलब शीघ्र मंदम का मतलब धीरे धीरे मंदम का मतलब धीरे धीरे प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम का मतलब क्या होगा जो दिखाई देता है वो प्रत्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे गुढ़ ऐसा गुढ़ जिसे कोई जान ना सके और अगूढ़ जिसे सब कोई जान सके पश्चात माने बाद में पूर्व माने पहले पूर्व मतलब पहले विलोम पद और पर्याय पद पर्याय का मतलब होता है एक समान अर्थ को प्रतीत करने वाले पर्यायवाची या उनको समान शब्द भी बोल सकते हैं विलोम का मतलब होता है जस्ट विपरीत विलोम अपोजिट वर्ड उनको हम विलोम पद कहते हैं ध्यान रखना इस बात को ठीक है आज की क्लास रहेगी हमारी यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है अब इसके बाद हमारा चैप्टर होता है पूरा पूरा कंप्लीट तो ध्यान रखिएगा आगे हम बहुत जल्द अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको हिंदी मीडियम परिवार आपको देता है बेस्ट एजुकेशन ध्यान रखिएगा हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ योग्य टीचर्स के साथ योग्य शिक्षकों के साथ आपको यहाँ पर पठन पाठन हर चीज करवाया जाता है तो ध्यान रखें आप किसी भी मीडियम से हो चाहे सी से हो सी हिंदी मीडियम सी इंग्लिश मीडियम किसी से भी हो आप चाहे आप यूपी बोर्ड से हो बिहार बोर्ड से हो एम पी बोर्ड से हो कहीं से भी हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोग ध्यान रखिएगा मैग्नेट ब्रेंस परिवार के साथ बने रहिएगा लाइक शेयर कमेंट के साथ हम फिर मिलते हैं जय तु संस्कृतम जय तु भारत